में है, पहले सबकी पेमेंट ही दे रहा हूँ, उन्हें भी अभी बता के आया हूँ सर मेरे ऑफिस में भीड़ है, आप चार पुलिस वाले मेरे साथ भेज दो, उन्हें बता दो कि सर्विस के डिपार्टमेंट में था, क्योंकि अभी मैं बोलूंगा तो यकीन नहीं आएगा। तो उन्होंने भी हंस के कहा अनुराग कि हम सेटिस्फाइड है, मॉडल समझ में आ रहा है, लेकिन ये फॉरेंसिक जांच में है कि मॉडल है या नहीं है, क्योंकि कल आज न्यूज पेपरों में हेडलाइन बहुत बड़ी बड़ी है, कल जो कांड हुआ है उससे सारे लोग हिले पड़े हैं। दो सिचुएशन है, मैं बिल्कुल आपसे एकदम छोटा भाई या आपका साथी समझ के मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली सिचुएशन है कि हम सबको पेशेंस रखना होगा, और दूसरी सिचुएशन है कि अगर हम सब इम्पेशेंट हो गए तो नेचुरली मैं भी उसकी जांच के लिए अंदर अभी के अभी जाऊंगा। मेरी बात समझना, क्यों आज मुझे आपको भी सेटिस्फाइड करना पड़ रहा है और अब डिपार्टमेंट को भी सेटिस्फाइड करना पड़ रहा है। आज से पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी, आज सिचुएशन और ज्यादा दिक्कत में आ गई है। दिक्कत में ये नहीं कि हम लोग बंद हो जाएंगे, दिक्कत में ये नहीं है कि हम लोगों को बंद कर देंगे, दिक्कत में ये है वो जांच कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद हम जैसी और कंपनियां भी ऐसे कटघरे में खड़े हो। जब उनको मॉडल समझाया गया वो सेटिस्फाइड हैं, और उन्होंने दोबारा से कहा है कि आपको बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा। अच्छी बात है कि आप बुलाते ही आ गए, सुबह फोन आया मैं बुलाते ही आ गया, राइट। अब मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप सब लोग पेशेंस रख लो। अगर आप सब लोग पेशेंस रखोगे तो हम वहां से भी क्लीन चिट लेके आ जाएंगे। अगर आप सब लोग पेशेंस नहीं रखोगे, एक टेंशन मेरी यहाँ की है, दूसरी टेंशन मेरी जो है डिपार्टमेंट की। मैं आपको फिर से एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, हालांकि सारे प्रॉमिस आप सब लोगों में फेल हो रहे हैं। फेल इसलिए हो रहे हैं कि समस्या पे समस्या आए जा रही है और कहीं ना कहीं वो कल जो है एक बम फूट चुका है। आज मैं आपसे ये वाली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबकी पेमेंट्स डेली बेसिस पे, हमने SMS भी करे, कल रात भी हमने SMS करे, आज सुबह भी SMS करे, सुन तो लीजिए भैया, सुन लीजिए मैसेज इसलिए कर रहे हैं कि सबको इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए आए हैं, ऐसा नहीं भाग ही रहे हो, आज ऑफिस के बाहर ताला ही लग गया हो, राइट ना। ऐसा कतई भी नहीं है कि ऑफिस में ताला लगे, हम लोग डेली बेसिस पे PTC to PTC निकाल रहे हैं। एक सेकंड भैया दे रहा हूँ। अब बात आती है रिफंड की, जिसको भी रिफंड करना है भैया प्लीज सुन लीजिए, हेलो, जिसको भी रिफंड के लिए एप्लीकेशन देनी है, एक हमारा फॉर्म होता है, मैं नीचे शांति से बैठना, मैं नीचे फॉर्म भिजवा रहा हूँ, ये इनके पास होगा फॉर्म। और भी ताजा तरीन MLM खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक